हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट सुमित गहलावत। कैसे हैं आप सब लोग? होप्स आप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। अभी अभी हम क्रिसमस मना के गए हैं और अभी न्यू ईयर आने वाला है। न्यू ईयर के कुछ दिन ही रह गए हैं, तो एडवांस में मेरे सभी व्यूअर्स को हैप्पी न्यू ईयर। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। खाली न्यू ईयर से काम नहीं चलेगा। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका नया साल बिल्कुल अच्छा जाए और आप स्वस्थ रहें, सारी चीज़ें बिल्कुल ओके रहें और हमारी वीडियो देखते रहें। और आज का वीडियो रहेगा मेरा, टोटली डे रूटीन दिखाऊंगा मैं आपको कि रूटीन हमारा कैसा है कैसा नहीं है। और एक इन्फॉर्मेशन देनी है आप सब लोगों को, 2 या 3 वीडियो पहले हमने Q&A वीडियो डाला है, एक बार उसको जाके चेकआउट कर लेना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब आप मेरे से चाहते हो, मैंने हर क्वेश्चन की आंसर देने की कोशिश उसके अंदर की है। बहुत सारे DM, बहुत सारे इंक्वायरी, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज, कॉल, हर चीज़ का जवाब कोशिश की है निपटाने की। लेकिन अगर उसमें नहीं निपटता है तो एक वीडियो दोबारा फिर बना देंगे क्वेश्चन आंसर के रिगार्डिंग, कि आपके क्या क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन नहीं है। वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे दिनचर्या कैसी है, मैं क्या क्या डील करता हूँ क्या डील नहीं करता हूँ। और एक बार पूरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके जितने लाइक आएंगे उतनी ही मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये भाई हमारे पास सुबह सुबह 10 बजे आए हैं। ये हमारे दिन का पहला ही लोन है। लोन कराने के लिए भाई आए हैं। भाई क्या नाम है आपका? आकाश। आकाश नाम है भाई। कहाँ से आए हो आप? सोनीपत बिदलगांव से। सोनीपत बिदलगांव है, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूरी है। 30-35 से तो पहले ही है, 22-23 किलोमीटर ही दूर है। आपने हमारी वीडियो कहाँ देखी थी? बस अब यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे हमारी वीडियो देख के आए हैं भाई। कौन सी बाइक ले हुए आप? प्लेटिना। भाई प्लेटिना बाइक ले रहे हैं। हमारे लोन वाले भाई आ गए हैं। इन भाई का नाम भी सुमिति है और एक ही गांव से हैं दोनों। हमारे बैंक वाले भाई भी और ये भी, आने के बाद ही पता चला है कि ये दोनों एक ही बैंक गांव से हैं। और बैंक वाले ने प्रोसेस शुरू कर दिया है, आधार कार्ड पैन कार्ड ले लिया है। अभी 5 से 10 मिनट का नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है। इसके अंदर डिटेल डालनी पड़ती है लोन के रिगार्डिंग, भी कौन लोन ले रहा है, क्या उसकी ईमेल आईडी है, क्या मोबाइल नंबर है, कौन सी बाइक ले रहा है, क्या बैंक जो हम वैल्यू बताते हैं ना उसके थोड़ा सा कंपेरिजन में बैंक अपनी वैल्यू भी खुद उठाता है। सपोज अगर हमने किसी चीज़ की 35,000 वैल्यू बताई तो बैंक भी उसकी वैल्यू बताता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने 35 बताई है, बैंक ने 40,000 वैल्यू उठा रखी है। भाई तो ये बैंक वाले अभी लोन डाल रहे हैं, कितना टाइम लगेगा सुमित सर इसका लोन होने में भाई का? 5 मिनट। 5 मिनट बोल रहे हैं। आज तो है ना, शोरूम के अंदर भी हमें धुंध लग रही है। बाहर इतनी धुंध, इतनी सर्दी है, उंगलियां बिल्कुल अकड़ गई हैं। और जो लोग बाइक चलाते हैं तो उनकी तो ये लगा लो जी शामत आ जाती होगी रोड के ऊपर चलते वक्त। लेकिन फिर भी हमारे भाई शोरूम खुलते 10 बजे आ जाते हैं हमारे पास बाइक लेने के लिए। संडे को भी हमारा शोरूम खुलता है सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 दोपहर को 2 बजे तक। सिर्फ 10 से दोपहर 2 बजे तक, क्योंकि तो संडे को बाकी टाइम हमें फैमिली टाइम भी चाहिए। हमारी फैमिली भी है, उनके भी काम करने पड़ते हैं। तो आप लोगों के लिए 10 से 2 बजे तक हम आपको यही मिलेंगे संडे को भी। बाकी रूटीन में मॉर्निंग से इवनिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक आपको ऑफिस खुला मिलेगा। आप कभी भी आके हमारे पास बाइक का लोन करा सकते हो, लेके जा सकते हो। तो दोस्तों, जो हमारे पास कस्टमर बैठे थे लोन कराने के लिए, उनका लोन रिजेक्ट हो गया है। रीज़न क्या था? उनका स्कोर कार्ड नहीं था। देसी भाषा में बता देता हूँ कि किस कारण उनका लोन रिजेक्ट हुआ है। उनका लोन हुआ है, आज से पहले लोन नहीं था और वो डिजिटल करेंसी यूज़ नहीं करते थे। इट्स मीन कि वो ना फ़ोन पे चला रहे थे, ना गूगल चला रहे थे, ना उनके बैंक अकाउंट में इतना पैसा था, जिसके कारण बैंक ने उनका स्कोर कार्ड बिल्कुल जीरो था। जीरो स्कोर कार्ड के ऊपर बाइक मिल जाती है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन क्या है बैंक की, कि उसके ऊपर आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। तो फिर वो कस्टमर हमें बोल के गए हैं कि मैं अपने फादर साहब को ले आता हूँ। तो उनके फादर साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो उनको तो 100% मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्होंने प्लेटिना को पसंद कर रखा है, हमने उस प्लेटिना को बुक करके साइड में खड़ा कर दिया है। वो शाम तक आएंगे और अपनी प्लेटिना के ऊपर लोन लेके जाएंगे। और अगर आपका भी स्कोर कार्ड जीरो है तो ये मतलब नहीं है उसका कि आपको लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आज के टाइम में डिजिटल करेंसी हर आदमी यूज़ करता है, मैं भी, आप भी, हर भाई यूज़ करता है। फ़ोन पे गूगल पे यूज़ करने से भी सिविल स्कोर मेंटेन रहता है। और अगर आपने पहले लोन ले रखा है, उसकी किस्तें टाइम पे गई हैं, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। आपकी डाउन पेमेंट और भी कम हो सकती है। इनकी डाउन पेमेंट 15,000 रुपये बनती थी, लेकिन हमने उसको थोड़ा सा और कैश सुनवा के कम करा दिया था। 12,000 रुपये में ले आए थे हम डाउन पेमेंट को, लेकिन फिर उनका लोन ही नहीं हुआ तो हम इनको बाइक नहीं दे पाए। अगर आपको हमारी वीडियो और हमारी नॉलेज जो हम आपको दे रहे हैं अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डेली नया वीडियो, नया कंटेंट डालते हैं। मंडे टू संडे डेली नया वीडियो डालते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए अगर आप भी हमारे पास से लोन कराना चाहते हो।
नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली नया वीडियो आ रहा है। ऐसा ना हो कि आप वीडियो को मिस कर दें, कंटेंट आपका मिस हो जाए और आप जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उससे आप वंचित रह जाएं।